राजनीति में बड़ा अहम दांव होता है एजेंडा सेट कर। विपक्षी दलों का महागठबंधन INDIA का एजेंडा 2024 में मोदी को हटाना है, जबकि NDA का एजेंडा मोदी की हैट्रिक। लक्ष्य 400 सीटों का है, जिसे हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने NDA के सांसदों से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया। तो वहीं ज्ञान बापू पर बयान देकर यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी मोदी के 24 के एजेंडे को सेट करते नजर आए। लेकिन इसी बीच विपक्षी महागठबंधन की मुंबई बैठक से पहले शरद पवार को लेकर सस्पेंस बढ़ चुका है। तो 24 की महाभारत में मोदी की प्रचंड जीत के लिए ज्ञान वापी के साथ साथ और कितने चैप्टर होने वाले हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट। हमारे लिए मुद्दा देशवासियों के सपने, न मैं रुकने वाला हूं, न मैं थकने वाला हूं और न ही झूठ के सामने कभी झुकने वाला हूं। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। 2024 के बाद हमारे तीसरे क्रम में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सभा हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र के इसी प्रश्न के साथ शुरू हुआ था महाभारत के महायुद्ध का पहला अध्याय। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव, एक पक्ष का अपना धर्म था, दूसरे पक्ष का अपना धर्म, दोनों का था। तो क्या 2024 की महाभारत भी इसी तर्ज पर राजनीति के कुरुक्षेत्र में व्यूह की रचना तैयार कर रही है? की महाभारत की प्रस्तावना दो तरफा लिखी जा रही है। एक तरफ की प्रस्तावना के केंद्र में है नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ की प्रस्तावना के केंद्र में नरेंद्र मोदी ही हैं। लेकिन यहां फर्क इतना कि मोदी को कैसे हटाना है। एनडीए की तरफ से बनाई जाने वाली रणनीति के केंद्र अब मोदी और उसके आसपास की व्यूह की रचना का चैप्टर है। इसमें पहली बारी है क्लस्टर की। लक्ष्य है 400 सीटों का। इस 400 सीट के लिए साम दाम दंड भेद क्या करना होगा, इसकी व्यूह रचना खुद मोदी ने अपने धुरंधरों को समझाई। 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर NDA को ही अवसर देना है। के चुनाव में 400 सीटों पर जीत कैसे हासिल करनी है और समूचे विपक्ष को 143 सीटों पर कैसे समेट देना है, इसका कॉन्फिडेंस मोदी को ऐसे ही नहीं। इसके लिए मोदी युद्ध नीति तैयार है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारत को लेकर मोदी के पास ऐसी युद्ध नीति जिससे चुनावी महाभारत के परिणाम बदल जाएंगे। 2024 के कुरुक्षेत्र में विरोधियों के खिलाफ मोदी की इस युद्ध नीति के कई खंड हैं, कई सोपान हैं। यूपी में ज्ञान वापी पर योगी आदित्यनाथ का प्रस्ताव आ चुका है। किसानों को सम्मान निधि की बड़ी किश्त जा चुकी है। गांव के विकास को केंद्र में रखकर कुछ बड़ा ऐलान होने की सुगबुगाहट है। पसमांदा मुसलमानों को पाले में लाने के लिए बीजेपी की लीडरशिप में जगह दी जा रही है और UCC का एजेंडा फिलहाल भले हवा में, लेकिन चुनावी मौसम में ऐसी हवाएं मौसम बदलती हैं। सिर्फ इतना नहीं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण सिद्धि की तरफ है। और मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक धार्मिक गलियारा यानी कॉरिडोर लोगों को खूब लुभा रहा है और शायद वोटों में तब्दील भी हो। तो दूसरी तरफ विपक्ष की बैठकों पर बैठकें चल रही हैं। पहले पटना में बैठक, फिर बेंगलुरु में बैठक, अब बैठक मुंबई में। अभी तक मोदी की तरह ना कोई सर्वमान्य नेता मिला, ना कोई सर्वमान्य मुद्दा। ले देकर मुद्दा सिर्फ एक कि मोदी को हटाना है, मोदी को घुटनों के बल लाना है। इसी चक्कर में संसद ठप है। लोकसभा से राज्यसभा तक हर दिन हंगामा है। आगे अविश्वास प्रस्ताव है जो कहने के लिए मणिपुर पर है, लेकिन केंद्र में फिर मोदी है।
चर्चा से हम भाग रहे हैं या प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं उनसे पूछिए। बात तो यह है कि प्रधानमंत्री 3 महीने तक उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। अविश्वास का डर मोदी को हो या ना हो, विपक्ष में एक अविश्वास इस बात को लेकर जरूर कि मोदी को हरा पाएंगे या नहीं। पटना की बैठक के बाद एनसीपी टूट गई। आगे मुंबई से पहले शरद पवार के INDIA की राह से अलग चलने का डर है। मानदान का पूरा खेल चल रहा है, लेकिन सवाल ये कि मोदी विरोधियों को शरद पवार के विपक्षी एकता की राह से अलग करने की राह का डर क्यों, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मोदी के 400 प्लस सीटों के टारगेट को पूरा करने के लिए यूपी में ज्ञानवापी प्रस्ताव की चर्चा बेहद जरूरी है। आप सुनिए जरा, आदित्यनाथ योगी कैसे पत्थर की लकीर की तरह सबूत की बात कर रहे हैं, आंख होने के बावजूद दिखाई नहीं देने की दुहाई दे रहे हैं। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। योगी कुछ छिपा नहीं रहे, एक बार में ज्ञानवापी प्रस्ताव की पूरी प्रस्तावना लेकर सामने आए, गेंद मुस्लिम पक्षकारों की झोली में डाल। ऐसे समय जब मामला कोर्ट में है, सर्वे हो या नहीं इस पर सुनवाई फिर होनी है, तो क्या आदित्यनाथ योगी ने जो कहा उस पर मोदी और शाह की मोहर भी है? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बीजेपी का इतना बड़ा नेता सीधे सीधे ज्ञानवापी पर प्रस्ताव दे दे। काशी मथुरा भले ही अब तक बीजेपी के घोषणा पत्र में ना हो, लेकिन जो नहीं है उसे तो शामिल करना है। राम मंदिर अयोध्या पूरा हो गया, यूसीसी पर लोगों की राय मांगी जा रही है, ज्ञानवापी लाइन में है, मथुरा पर सुनवाई जारी है, मतलब मानस का पूरा चैप्टर दिखता है। लोगों के मन में जिज्ञासा है कि ज्ञानवापी अयोध्या कांड में शामिल होने वाला है, क्योंकि 2024 में मोदी का टारगेट 400 सीटों के पार है। ये तब संभव जब यूपी की 80 की 80 सीटें पार्टी जीत जाए, बिहार से अपनी सीटों को हर हाल में बचाए। जिन्हें बिहार यूपी के राजनीति गणित की समझ है, उन्हें पता है कि ज्ञानवापी इन दोनों राज्यों के लिए कितना बड़ा विषय है। आगे दक्षिण में अलग नीति, नॉर्थ ईस्ट में पहले से हालत ठीक है। अगर मणिपुर का उल्टा प्रभाव ना हुआ तो पूर्व में कमल कैसे खिले, उसके लिए अलग से काम हो रहा है। कुल मिलाकर एनडीए के वोट परसेंटेज को 50% तक पहुंचा देने का टारगेट है, मतलब पिछली बार से 5% ज्यादा। बीजेपी की रणनीति यह है कि 24 की लड़ाई में विपक्ष को हिंदुत्व की अपनी पिच पर ले आया जाए। 2014 में पीएम मोदी यानी बीजेपी को 31% वोट मिले, जिसमें 30% हिंदू हुआ। 2014 में मोदी ने 282 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी को 37% वोट मिले, जिसमें कि 35% हिंदू वोट और 2% माइनॉरिटी वोट। 2019 में मोदी ने 303 सीटें जीती। 2014 से 2019 तक मोदी 31% से 35% तक पहुंचे थे, मतलब देश के 85% हिंदुओं में से 50% अब भी ऐसे हैं जिनकी चॉइस बीजेपी नहीं कोई और, वही लोग ऐसे हैं, वही वोट बैंक ऐसा है जिसको टारगेट अब बीजेपी का है।